आज कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है इंग्लिश क्लास 7 और सब्जेक्ट इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा। देख रहे हैं ये हमें मैक्सिमम मार्क्स 50 का है, टाइम 2 आवर्स 30 मिनट्स का है, पेपर संकेतांक 22-17 है। यह बाजारू पेपर है लेकिन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पेपर है, बहुत ही फेमस पेपर है। यदि आप यहाँ परीक्षा शुरू हो गया है तो ज़रूर हमसे जुड़ जाइए, कंसल्ट करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। पहले तो आशा करता हूँ पूरा यही पेपर आपके यहाँ पहुँचा होगा, नहीं पहुँचा होगा तो कम से कम 80-90% आपको इससे हल मिल जाएंगे। और आप किस ज़िले के हैं, पेपर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ज़रूर बताना। लेकिन अभी पेपर सेट 2 है, हमारे चैनल में जाइए, बहुत से पेपर सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास के मतलब 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पेपर डाल दिया गया है। अब ये दूसरा सेट जा रहा है, दूसरा सेट का मतलब अब दूसरा पेपर, एक पेपर अंग्रेजी का डाला गया है, अब दूसरा डाला जा रहा है। सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना है आपको। व्हाई वाज किंग अनहैप्पी, राजा उदास क्यों था, दुखी क्यों था, तो इसका उत्तर होगा, एक किताब देख रहे हैं लिखे हुए हैं हम। पहला है द किंग वाज अनहैप्पी, मैं पढ़ रहा हूँ लिखावट पे ध्यान देना, नहीं तो हम उच्चारण भी कर रहे हैं। द किंग वाज अनहैप्पी बिकॉज पीपुल वेयर इररेस्पॉन्सिबल, मतलब राजा दुखी था क्योंकि उसके लोग जिम्मेदारी नहीं समझते थे, लापरवाह थे। दूसरा है व्हेन एंड व्हेयर गांधी जी बार्न, कब और कहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे, आपके टेक्स्ट बुक का है, आप हेर लेंगे, मैंने हेर करके ही आपके किताब से लिखा है। गांधी जी वाज बार्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाद गुजरात, कहने का मतलब है कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर काठियावाद में, गुजरात के काठियावाद में पोरबंदर नामक स्थान में पैदा हुए थे। मतलब पोरबंदर वो स्थान का नाम है, काठियावाद जिले का नाम है, गुजरात प्रदेश का नाम है। तीसरा है व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, जिलाधिकारी ने क्या किया, व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाई आज़ाद, जब आज़ाद के द्वारा उसे उकसाया गया तो जज ने क्या किया। अब इसका आंसर देखिए, व्हेन मजिस्ट्रेट वाज प्रोवोक्ड बाई आज़ाद, जब आज़ाद के द्वारा मजिस्ट्रेट को उकसाया गया तो ही सेंटेंसेज मतलब आदेश दिया या सजा सुनाई हिम माने उन्हें, तो 15 लाशेज 15 बेतों की सजा सुनाई, मतलब आज़ाद को 15 बेत की सजा मिली थी, मार खाए थे। अगला चौथा क्वेश्चन है व्हाई वाज गायत्री एक्साइटेड, गायत्री उत्तेजित क्यों थी, आपके ही किताब का पाठ से लिया गया है। गायत्री वाज एक्साइटेड बिकॉज सी वाज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी, क्योंकि वह समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जा रही थी, फिशिंग मछलियाँ पकड़ना मतलब फिशिंग इन द सी, वह मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जा रही थी, फिशिंग माने मछलियाँ पकड़ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, कबीर के गीत और कविताएं हमें क्या शिक्षा देती हैं, तो इसका आंसर होगा कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, कबीर के गीत और कविताएं हमें बताती हैं दैट कि गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर प्रत्येक जगह है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व मतलब हर जगह व्याप्त है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, राइट ट्रू आर फॉल्स फॉर द गिवन सेंटेंसेज, वाक्य में जो दिया गया है उनमें कौन सा सत्य है कौन असत्य है, कौन सही है कौन गलत है, टिक करना है आपको, तो आपके किताब का है, आप पढ़े होंगे साल भर, उसी के आधार पर है, हम भी पढ़ के लगाए हैं। द किंग लिव्ड इन ए पैलेस, मतलब राजा महल में रहता था, सत्य है राजा महल में रहता था, पहला सही है। महात्मा गांधी वाज बार्न 2 नवंबर 1869 नवंबर दिया गया है, जबकि नवंबर गलत है, 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, दूसरा गलत है, देख रहे हैं ना। तीसरा है मदर डज नॉट टीच ए चाइल्ड अबाउट राइट आर रॉन्ग,
क्या पूछ रहा है कि माता जी या माँ अपने बच्चे को सही गलत का शिक्षा नहीं देती हैं, नहीं सिखाती हैं, देती हैं तो गलत लिखना लगा, इसलिए गलत हो गया। ये तीसरा गलत है। चौथा है फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। फ्लोरेंस जो थी एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, नो, धनी परिवार में पैदा हुई थी, ये भी गलत है। अंतिम है ए डैम इज ए बिग वॉल ए क्रॉस रिवर, सत्य है। मतलब बांध जो होता है नदी के किनारे बीचों बीच की एक पार से इस पार से उस पार तक एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, तो एक सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवेन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो दिए गए शब्द उनको भरना है, कौन सा शब्द किस में भरा जाएगा। पहले भी है द टाउन वाज, आपके किताब से ही है, मैंने भी भरा है टपल्ड, पहले में टपल्ड भरा जाएगा, टी ओ डबल पी एल ई डी, टपल्ड, टॉप शब्द से बना है टपल्ड, बाय द फ्लड वाटर पहला। दूसरा अनु रोब्ड, मतलब पहले वाले का अर्थ देखिए, द टाउन वाज टपल्ड बाय द फ्लड वाटर, अब इसमें मतलब बाढ़ के पानी से शहर घिरा हुआ था। दूसरा है अनुरोब्ड, मतलब खे कर लाना, नाव चलाना से मतलब है, द अनुरोब्ड द बोट टू द शोर, नाव को चला करके किनारे लाई। इसमें क्या भरा जाएगा, आर ओ डब्ल्यू ई डी, रोब्ड भरा जाएगा, मैंने टिक कर दिया, दूसरा नंबर डाल दिया है, पहले में पहला दूसरे में दूसरा, नहीं यार गलत हो गया, ध्यान देना, पहले में भरा जाएगा द टाउन वाज सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड भरा जाएगा बाय द फ्लड वाटर, मतलब कि बाढ़ के पानी से शहर में जो था बीमारियां फैल गई थी, सबमर्ज्ड था, पहले में सबमर्ज्ड भरा जाएगा, दूसरे में अनुरोब्ड भरा जाएगा, मतलब अनु ने नाय को चला करके किनारे लाया, तीसरा में भरा जाएगा द अर्थ क्विक, द अर्थ क्वेक, तीसरा में क्या भरा जाएगा, अर्थ क्वेक के बाद क्या है, तीसरा है टपल्ड, इसमें टपल्ड भरा जाएगा, द अर्थ क्विक टपल्ड द बिल्डिंग, मतलब भूकंप ने बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, टपल्ड माने क्षतिग्रस्त करना, तहस नहस करना। चौथा है द मेड वॉश्ड ऑल द, मतलब घर की नौकरानी ने धोया, ऑल द आगे डॉट डॉट है, फिर आप द किचन, बर्तन, किचन के क्या यूटेंसिल, बर्तनों को, नौकरान, घर की नौकरानी ने किचन के सभी बर्तनों को साफ किया, चौथा भरा जाएगा यूटेंसिल। अगला है ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड क्लोथिंग एंड, मतलब मानव जीवन को आवश्यकता है भोजन कपड़ा और क्या, शेल्टर, आश्रय, रहने के लिए स्थान, कहाँ रहेंगे, तो पांचवें भरा जाएगा शेल्टर, देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका फिलअप कर दिया गया पूरा का पूरा। चौथा है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं, राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों के क्या पर्यायवाची लिखना है, थोड़ा पर्यायवाची कठिन होता है, सिनोनिम्स नहीं आया, ओ एंटोनिम्स नहीं आया है, विलोम नहीं आया है, पर्यायवाची आया है। तो पहला है जैसे प्रोफेशन माने व्यवसाय, तो आपका ऑक्यूपेशन इसका दूसरा सिनोनिम्स होगा, पर्यायवाची होगा, ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय, ओ डबल सी यू पी ए टी आई ओ एन, ऑक्यूपेशन। दूसरा है रिक्वेस्ट, बेग, बी ई जी, बेग माने रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, आपके किताब में है, मैंने किताब से ही लिखा है। सी माने समुद्र, ओशियन, ओ सी ई ए एन, ओशियन माने समुद्र। डैमेज कहते हैं बहुत डैमेज हो गया है, हानि हुई है, तो लॉस हुआ है, हानि। वर्क, वर्क माने कार्य, तो टास्क, टी ए एस के, टास्क माने कार्य होता है। पांचवा है राइट एंटोनिम्स, उसमें पर्यायवाची था सिनोनिम्स, अंतिम वाले में है एंटोनिम्स, अब इसमें विलोम लिखना है आपको, देख रहे हैं ना, तो डार्क माने अंधेरा, तो लाइट माने प्रकाश। दूसरा है स्काई, आसमान, अर्थ माने पृथ्वी, ई ए आर टी एच, अर्थ माने पृथ्वी। ऑलवेज माने सदैव, नेवर माने कभी नहीं। हेयर माने यहाँ, देयर माने वहाँ। नाइट माने रात, डे माने दिन। तो इस तरह मैं ऐसा करता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी एक सेट कल आपको और मिलेगा, जो हमारे तीनों सेट को हल कर लेते हैं, दोनों सेट को हल कर लेते हैं, तो फुल गारंटी है कि आपका 90% तो आपको मिल जाएंगे हमारे पेपरों से। अब हो सकता है संयोग हो कि पेपर ही मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन आपके बहुत ही अच्छे पेपर जाएंगे यदि आप मेरे संपूर्ण पेपर को हल करते रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।